उस समय राजा आमेर के चंद्रसेन थे और राजा चंद्रसेन ने चिट्ठी लिखवाई भी घोड़े देने आपने बंद कैसे कर दिए। राव शेखा जी ने उनको कहा कि हम तो आपको घोड़े कोई कर के रूप में, कोई लगान के रूप में नहीं दे रहे थे, हम तो घोड़े आपको स्वरूप भेंट दे रहे थे, आप कोई गलतफहमी ना पाले, हम घोड़े नहीं देंगे। तब राजा चंद्रसेन ने फिर शेखा जी को कहा कि हम आपको घोड़ियां भेजते हैं और उनके जो ये बात हमारी तय थी, पहला बछेरा हमें भेजे। तब शेखा जी ने चंद्रसेन जी को कहा, हमारे पास ना तो कोई गिनती है कि आपकी कितनी घोड़ी है या नहीं है या कितने हैं, हम आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकते और हम बछेरे आपको नहीं देंगे। तब राजा आमेर चंद्रसेन जी ने कहा कि ये जो पूरे घोड़े हैं ये हमारी ही घोड़ियां दी हुई हैं, पूरे घोड़े हैं जितने भी, ये हमारे आमेर रियासत के हैं, ये आपको देने होंगे, हर सूरत में देने होंगे। वहाँ खीवराज सिंह और आसपास के सभी लोगों की और वहाँ की कुछ चुनिंदा लोगों की ये राय थी, ये घोड़े अपने को आमेर को दे देने चाहिए। जब घोड़ों को लेकर के सबकी ये राय थी कि दे देने चाहिए, तो उस समय शेखा जी की उम्र 12 साल की में राज्य अभिषेक हुआ था और उनके संरक्षक के रूप में खीव सिंह जी थे। तब खीव सिंह जी ये कह रहे थे दे दो, तब शेखा जी ने कहा नहीं देंगे। तब आमेर के चंद्रसेन जी ने कहा फिर युद्ध करके लेंगे। उस 12 साल के बच्चे की मनोदशा क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी, इस पर सोचने की जरूरत है आपको। उस समय शेखा जी अचानक से गायब हो गए थे 4 महीने के लिए और वो घूमते घूमते एक पहाड़ी पर गए जहाँ जगदेश्वर महाराज की मूर्ति अपने आप पहाड़ी में से निकल करके स्थापित हुई थी। वहाँ उन्होंने बैठ करके 4 महीना पूजा की और साधना की। उस समय वहाँ उनको एक साधु मिला था और उसने कहा, क्यों बच्चे तू व्यर्थ की चिंता करता है, ये राज्य भी तेरा है और घोड़े भी तेरे हैं, इनको कोई हिलाने वाला नहीं, तू मस्त होकर के जा। महाराज का आशीर्वाद लेकर के शेखा जी आ गए और आकर के उन्होंने दरबार में घोषणा कर दी कि हमारी रियासत स्वतंत्र रियासत है और हम आमेर की रियासत के नीचे नहीं आते, उनकी रियासत अलग हमारी अलग है, ना हम कर देंगे ना हम घोड़े देंगे और ना ही हम किसी के दबेल रहेंगे। तो उनके काकोसा खीव जी और 2-3 भाई वहां से निकल करके आमेर रियासत में आ गए और आमेर की रियासत के साथ मिल गए। उनको कोई छोटी मोटी आमेर वालों ने रियासत दे दी और उन्होंने वहां की कमियां बताई। आमेर चंद्रसेन जी ने कहा कि इतने घोड़ों की उसको क्या जरूरत है। तब खीव जी ने ये कहा कि महाराज वो इतने घोड़े लेकर के आमेर रियासत पर हमला भी कर सकता है। राजा चंद्रसेन जी सोचने पर मजबूर हुए।